अश्वपति महाराज अपनी पुत्री को देख कर चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वह सोच ही रहे थे कि सावित्री कहने लगी कि पिताजी किस बात के लिए चिंता कर रहे हैं। अश्वपति ने कहा कि बेटी सब जगह देश विदेश में घूम लिया, परंतु तेरे योग्य मुझे कोई वर नहीं मिला। मैं तो हार कर बैठ गया, अब तुम खुद जाओ और अपने योग्य वर स्वयं तलाश करो। अब अश्वपति क्या कहता है सावित्री को भला? ये जवान अवस्था देख के बोलिया, खुद बेटी से बाप तेरे ब्याह की इच्छा कर के करण आया ना मैं मिला। जवान अवस्था देख के बोलिया, खुद बेटी से बाप तेरे ब्याह की इच्छा कर के करण आया ना मैं मिला। जवान अवस्था देख के बोलिया, खुद बेटी से बाप ब्याह की इच्छा कर के करण आया ना मैं मिला। जवान अवस्था देख के बोलिया, हमने ब्राह्मणों से वचन सुने हैं वेद शास्त्र के, स्याणी बेटी कुमारी घर पे हो पाप उदय घर के, समय पे कन्या दान करते काम नहीं डर के, तेरे क्वारी रहने से मेरे दिन दिन रोज चढ़े शराब, तेरे ब्याह की इच्छा पर के कारण आया ना मैं मिलाप। जवान अवस्था देख के बोला, खुद बेटी से लायक बात क्या बताई भला? ओ ऋतु काल समय, ऋतु काल समय जो नर त्रिया के पास नहीं जाते, परम हत्या का दोष लगे फल करणी का पते, जिस तेरी आके पुत्र होते ही बालम मर जाते, जिंदे जी मर गे जो मागी, जिंदे जी मर गे जो मागी रक्षा ना चाहते, अपने हाथों धरे शीश पे, अपने हाथों धरे शीश पे, तीन जन्म का पाप की इच्छा कर के करने आया ना मैं मिला। जवान अवस्था देख के
किस में बात भली अर्थ जोड़ा संग नौकर कर दिए कर्म की नहीं टली बहुत सादरब दिया बुढ़ा मंत्री संग बुद्धिवान बली शीश झोका के शर्मा के जाने मार्ग से चलती बिन जाने मार्ग से चलती जहां ऋषि करे थे तेरे प्यार की इच्छा पर कह करने आया ना मेल मिलाप जवाने अवस्था देख के बोला खुद बेटी से बात शामिल खुद होना चाहिए धर्म के राम है बीज बेगन का ना बोना चाहिए सुख हो मात पिता ने नींद भर जब सोना चाहिए सावित्री करे फिक्र पति भला सावित्री करे लक्ष्मी चंदी गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंदी गुरु मान सिंह की लगा प्रेम से छा तेरे प्यार की इच्छा करण